तो जी वहाँ पे अभी हम ड्रोन उड़ा रहे थे एंड कांड क्या हुआ कि ड्रोन उड़ा ही रहे थे, पुलिस वाले भाई साहब आ गए। आगे निकल चुके हैं हम हमारे रूम के होटल के आसपास कहीं पे खा रहे थे। यहाँ से 14 मिनट दिख रहा है एंड मुझे नहीं पता गोप्रो में कितना चार्ज है, इसीलिए डायरेक्ट सारंगकोट चल के मिलते हैं। चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस की, सब यहाँ पे गाड़ी को हेड वाला सेक्शन को ढक के रखते हैं। क्यों भाई ढक के रखते हैं? क्योंकि यहाँ जो इतना ज़्यादा धूल मिट्टी होता है ना, वो अंदर ना चले जाए, वो गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो फ्रंट पूरे सेक्शन को ढक के रखा जाता है। बस आई थिंक दैट्स सो, अगर यही रीज़न नहीं है तो क्या है आप लोग बताओ। फिलहाल तो अभी हम चल रहे हैं सारंगकोट की तरफ। आते वक्त चलेंगे कहाँ पे यार, नीचे एक टेम्पल है माता का, वहाँ चलेंगे। तो जी यहाँ से शुरू होता है हमारा सारंगकोट एंड हियर वी गो। थोड़ा सा रास्ता बच चुका है 1.5 किलोमीटर, जो कि 5 मिनट लगना चाहिए एंड आई थिंक ये रास्ता पूरा ऊपर तक ऐसे ही अच्छी है, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, भैया ये व्यू पॉइंट के लिए यहाँ से पैदल बाइक नहीं जा सकता? नहीं जा सकता। अच्छा, यहाँ पे पार्किंग है या ऐसे ही लगा देंगे? उधर से जाएगा ना, शॉर्टकट। अच्छा उधर से। एंड जी वहाँ पे हमारा गाड़ी पार्कड है एंड ऊपर पैदल चलना पड़ेगा, तो चलो। एंड आप लोग ये देख रहे हैं ना बादलों को चीर के कैसे सनलाइट आ रहा है एंड ये पूरा स्ट्रेट चढ़ाई है। तो भाई हम दोनों थक गए, अभी जाना है वो टावर तक। आधे से ज़्यादा आ चुके हैं, कम बचा है। सो जी ये रहा नीचे का रास्ता एंड उस तरफ है ऊपर का रास्ता, लेकिन हम आ चुके हैं डी टूर लेने। वो वाला टावर अभी तक बना नहीं है जो दूर से दिख रहा है एंड भाई माउंटेन्स अभी पूरी तरीके से बादलों से ढक चुके हैं, लेकिन जो हवा चल रहा है ना गुरु, और क्या बताऊँ। ये सारे प्लेसेस से पैराग्लाइडिंग किया जाता है, पैराग्लाइडर्स आपको पैराग्लाइडिंग करा देंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो। एंड इफ़ यू वांट टू नो द रेट्स तो भाई मैं पूछ के बता दूंगा। फिलहाल ये व्यू है एंड अभी इतना ज़्यादा फॉग आ चुका है ना, तब 10-11 बजे फॉग नहीं था, अभी इतना ज़्यादा फॉग आ चुका है ना, पूरा टाउन देखिए यहाँ से मुझे भी धुंधला दिख रहा है, पूरा टाउन धुंधला दिख रहा है। तो ऐसे दिन भर वहाँ यहाँ पर चलता है, पूरा टाउन फॉग से ढक जाता है। फिलहाल ये सही है कि वहाँ से होता है पैराग्लाइडिंग, वहाँ पर उनका फ्लैग है आप लोग देख सकते हैं एंड वो प्लेस है जहाँ से पैराग्लाइडिंग होता है। तो आपको जाके पूछ के मैं बता दूंगा कि भाई रेट्स वगैरह क्या है। एंड वहाँ पे भी वो एक पैराग्लाइडिंग पेड़ है। यहाँ पे ये माउंटेन दिख रहा है बस, बाकी सारे छुप गए हैं बादलों के पीछे एंड हमेशा हम थके हुए रहते हैं। वहाँ देखिए
रोड के साइड में रिवर, भाई खतरनाक वाली रास्ता है। सो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आवर लास्ट इवनिंग एंड लास्ट नाइट ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेस। एंड हाँ जी, तो सारंगकोट से हमारा ये वीडियो एंड हुआ था। तो हुआ क्या, वहाँ पे हम जब ड्रोन उड़ा रहे थे, ड्रोन बस उड़ा नहीं वाले थे, शायद कुछ शॉट्स लिए होंगे जो कि आप लोगों ने अभी देख लिए होंगे। तो जब हम ड्रोन उड़ाने जा रहे थे तब शुरू हुआ पंगा। सो जी, हम उड़ाने स्टार्ट किए ड्रोन, एंड जब हम ड्रोन उड़ाने स्टार्ट किए तो पुलिस वाले भैया आ गए एंड आके फिर बोलते हैं कि भाई यहाँ पे कैसे तू ड्रोन उड़ा रहा है, चल ला ड्रोन अब मुझे दे दे। तो भाई हम तो भाई ऐसे भी फॉरेनर्स हैं, तो मेरा भाई माथा ठमका, यह अगर ड्रोन ले लिया तो लेने की देनी हो जाएगी। तो पहले उसने पूछा कि भाई ये ड्रोन कितने वेट का है, बस हमें ये पहले बता। तो मैंने बोल दिया कि भाई 249 ग्राम का है। तो फिर से वो देखे, मैंने ड्रोन वापस मंगा के लेके आ गया, एंड वापस मंगा के लेके आने के बाद वो देखे सारा कुछ। फिर उन्होंने बोला कि मैं आपको इंपाउंड करने वाला हूँ नीचे पुलिस स्टेशन में। मैंने बोला ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, इम्पाउंड कर दीजिए, नहीं तो आप जो भी फाइन बोलेंगे मैं यहाँ पे देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जैसे कि आपको पता है वो 249 ग्राम का था, एंड काफ़ी जगह पे वो अलाउड है यार, वो वेट में ड्रोन उड़ाना काफ़ी प्लेसेस में अलाउड है। तो जैसे कि काफ़ी प्लेसेस में अलाउड है, तो वो बोले देखे, फिर परखे, फिर बोले कि ठीक है सारा क्लिप्स डिलीट कर देना एंड आप जाओ। एंड मैं जहाँ पे उड़ा रहा था वो नो फ्लाइंग जोन था। हाँ जी, वो नो फ्लाइंग जोन था, वहाँ ऐसे भी उड़ाना मना था क्योंकि वहीं पे ही फ्लाइट लैंड करता है। तो बस ये GoPro का चार्ज वहीं पे ही ख़त्म हो गया, तो हम वापस ही आ गए। एंड भाई कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, एक घंटे आके आराम से बैठा, मूड फ्रेश किया, फिर से आपको ये वाला व्यू का मज़ा दिलवाने बाहर आ गया। दो दिन से यही व्यू का मज़ा दिलवा रहा हूँ, एंड आज मेरा लास्ट है, इसके बाद ये व्यू का मज़ा नहीं आएगा। अब आज आखिरी बार के लिए देख लीजिए, फिर कल से अलग सा व्यू आएगा। अभी के लिए तो हम चलते हैं घूमने, थोड़ा घूमेंगे, आज भी इसको हमने साफ नहीं किए हैं, कोई नहीं जी। तो कल पहुँचेंगे पटना, एंड वहाँ के रेलवे से बात करेंगे कि इस व्हीकल को लगेज की तरह भेज दें क्या, अगर भेज देते हैं तो अच्छी बात है। दिस इज द प्लेस वेयर पैराग्लाइडर्स वेयर लैंडेड, तो यहाँ पे वो पैराग्लाइडर्स लैंड हुए थे। तो जी सही है। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे भाई, रेड लाइट कहीं पे भी नहीं है, रेड लाइट यानी कि नो, इन लोगों ने तो रेड लाइट को नो ही बोल रखा है,
भाई रेड लाइट क्यों ही लगा ना, रेड लाइट ग्रीन लाइट वो जो ट्रैफिक सिग्नल होता है ना, इसके बारे में बात कर रहा हूँ भाई। इनको रेगुलर रेड लाइट चाहिए ही नहीं, ये इतने पोलाइट है, इतने रेस्पॉन्सिबल है एंड इतने रेस्पॉन्डिंग है एंड एक दूसरे को इतना ज़्यादा केयर करते हैं कि भाई अगर आप जा रहे हो, अगर मेरा भी गलती है, मैं गलती से घुस गया अंदर, वो आगे वाला बंदा रुक जाएगा। गलती सही तो छोड़ो, गलती से भी किसी कार वाले को ऐसे ओवरटेक करने के लिए कोशिश करो ना, वो साइड में लगा देता है एंड एक नहीं हर कोई वो साइड में लगा देगा कि भाई तू जा फिर मैं जाऊँगा। एंड दैट्स द पॉलिसी फॉर हियर। एंड मैं यहाँ इस रोड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए चला आया एंड जी जब पैराग्लाइडिंग ख़त्म होता है तो यहाँ पे फ़ोटो शूट होता है, वो आप देख सकते हैं। हर बंदा अपने गाड़ी लगा के फ़ोटो शूट करने में लगा हुआ है। तो जी सही है, इतने ब्यूटीफुल सा व्यूज़ के साथ ही फ़ोटो शूट किया जाता है, ये लोग सही कर रहे हैं भाई, अच्छा कर रहे हैं, कीप इट अप गाइस। बागमती प्रदेश का किया का नीरो भाई साहब, यहाँ पे ये गाड़ी है, ये गाड़ी तो अच्छा दिखता है, लंबा भी है, तो हमारे इंडिया पे क्यों नहीं है। फिलहाल अभी के लिए वही क्वेश्चन है। सो थोड़ा कुछ घूम घाम के वापस ही आ चुके हैं, आज ही सोया हुआ है एंड दिस मेसअप भाई, ये मेसअप को हमें अभी पूरा क्लीन करना है क्योंकि कल सुबह यहाँ से हम निकल जाएंगे। इस ब्यूटीफुल सा नज़ारे को बाय बाय बोल के हमारे इंडिया की तरफ चले जाएंगे। भाई कुछ भी बोलो, इंडिया जाने की खुशी अलग है, घर वापस ही जाने की खुशी अलग है। तो जी सही है, खाना खाते हैं एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। आज ज़्यादा नहीं घूमे हैं लेकिन जितना घूमे हैं उतना ही काफ़ी है क्योंकि कल हमें ट्रैवल करना है करीबन 450 किलोमीटर, तो उतने ट्रैवल करने के लिए आज थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो वही कर रहे हैं भाई। एंड दैट्स द सेम स्पॉट वेयर वी एट यस्टरडे, सो फिर से वही प्लेस वही कुर्सी एंड वही हम एंड जी वहाँ पे है किचन एंड दैट्स द रीडिंग एरिया एंड दिस कैमरा डोंट जस्टिफाई दिस व्यू यार, इट्स सो अनक्लियर। आई एम थिंकिंग दैट आई हैव टू चेंज माई कैमरा, करेंगे यार चेंज कर देंगे, बहुत ही जल्द चेंज कर देंगे। एंड जी हमारा खाना आ रहा है एंड एक करी आएगा तो खाएंगे, बस यही था फिलहाल। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ 7:30 हुआ है, आज खा के थोड़ा सा ज़्यादा रेस्ट कर देंगे क्योंकि थोड़ा कल हमें ज़्यादा चलना है, ज़्यादा तो नहीं चलना है, हमें थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा कल क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़तरनाक वाला रास्ता है, तो इसलिए आज थोड़ा ज़्यादा रेस्ट कर लेंगे तो कल आराम से 450 किलोमीटर कवर कर जाएंगे। फिलहाल अभी खाते हैं यार, बहुत तेज़ भूख भी लगा है क्योंकि शाम को कुछ नहीं खाए थे, तो चलो लेट्स ईट। सो जी दिस इज चेन क्लीनर, आज चेन क्लीन कर देंगे तो कल सुबह आसानी से आराम से चले जाएंगे ल्यूब करके। ए कल सुबह ल्यूब करना याद करना रे, चेन पूरा सूखा पड़ा है ना, पूरी तरीके से मैला हो चुका है भाई, गाड़ी का कंडीशन भी कुछ अच्छा नहीं है, बहुत ही बुरा है आप देख सकते हैं।